तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि बेसिक जो होना चाहिए वो आपको पांच टाइप का मिलेगा। ट्रेडिंग टाइप्स ऑफ में होने के लिए तो बहुत सारा होता है बट पांच होता है। पहला है अपना स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है? नाम तो सुना सुना लग रहा है तो सुन लीजिए फिर से एक बार। स्कैल्पिंग में होता है कि आप 1 मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, जो जिसका होल्डिंग पीरियड 1 मिनट से 5 मिनट तक ही होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में तुरंत फास्ट जल्दी से करो और निकल जाओ, बस इतना ही है। उसमें होल्ड नहीं करना, होल्ड करोगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसमें स्ट्रेटेजी हुई होता है कि जल्दी से करो प्रॉफिट और निकल जाओ। तो दूसरा आप बात करेंगे, दूसरा है इंट्राडे। इंट्राडे भी तो करते तो हैं हम डेली, या उसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जो बेसिकली आप लोग इंट्राडे में करते हो। उसमें स्टॉक भी आता है, ऑब्वियस सा बात है, स्टॉक भी आएगा इंट्राडे में, जो कि एक ही दिन में खरीदना और बेचना है, बाय एंड सेल एक दिन में, बस उसको होल्ड ही नहीं करना। उसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज होता है? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें डालने के लिए 15 मिनट 1 घंटा का यूज करते हैं नॉर्मली पीपल्स, मैं भी करता हूँ यूज। और उसका होल्डिंग पीरियड पूरा दिन कर सकते हो, बट जिस दिन प्रीमियम डिके होगा उस दिन आपको पूरा लॉस हो जाएगा। प्रीमियम जीरो भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है, तो वो आपको सोच के करना है कि कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आप इसको पोजिशनली होल्ड कर सकते हो कि 1 सप्ताह से लेके 1 महीना तक, ज्यादा नहीं, 1 वीक टू 1 मंथ, इतना निकालने के लिए तो 2 दिन में भी निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर है, प्रॉफिट कैसे आ रहा है। अगर टारगेट मिल जा रहा है तो निकल जाओ जल्दी, नहीं मिल रहा है तो होल्ड करो। आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होल्ड करना होगा, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, पोजीशन साइजिंग, सब कुछ मिला के किया जाता है सब कुछ। स्विंग में थोड़ा कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अब 2,000 से कर रहे हो, 10,000 से कर रहे हो, क्या ही फायदा दिखेगा भाई आपको। पैसा चाहिए तो 50,000 1 लाख डालो, मस्त फायदा दिखेगा, लॉस भी मस्त दिखेगा। तो वही सब मैनेज करना होता है। चलिए, इसमें टाइम फ्रेम 1 घंटा, 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 आवर 1 वीक 1 डे। इससे आप अपना स्ट्रेटेजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए टीएमए जो भी है सब चीज लगा के कर लो ट्रेड। ठीक है, इसको होल्ड तो करने का मैं बता ही दिया, 1 वीक से लेके 1 मंथ तक, ज्यादा नहीं, 1 मंथ तक स्विंग ट्रेडिंग। चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये क्या होता है? मीन्स पोजिशन जहां पे आप खड़े रहते हो, 1 महीना से लेके 1 साल के अंदर तक को पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। टाइम फ्रेम इसमें कौन सा यूज करेंगे? टाइम फ्रेम यूज करना है 1 वीक 1 सॉरी 1 डे 1 वीक 1 ईयर 1 मंथ 3 मंथ। ये सब यूज करके आप अपना स्ट्रेटेजी लगाओ, जैसे करने ट्रेड आपका स्ट्रेटेजी हो। नहीं है तो हम लोग सीखेंगे आगे की वीडियो में, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। क्या जरूरत था अपना टाइम इधर इन्वेस्ट करने? मैं उधर अपने चार्ट पे कर सकता था सीखने के लिए, लेकिन नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जिनको नहीं पता, सब लोग सीखेंगे साथ में, सब लोग ग्रो करेंगे। ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बस मैं ग्रो कर रहा हूँ, यार अच्छा नहीं लगता। आते हैं पांचवा और लास्ट आखिरी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सबको पता है कि राकेश झुंझुनवाला झुंझुनवाला कैसे बने, वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट कैसे बने, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट से पहले ट्रेडिंग जरूर करते भाई, ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट से पहले सब लोग ट्रेडिंग जरूर करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है सोच लो, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि अरे यार वो तो बोल रहा है ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको अपना फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। लॉन्ग टर्म में जा रहे हो यार, आपका पैसा ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में। उसका क्या होल्डिंग पीरियड होता है? 1 साल से लेके 10 साल 20 साल, जितना आप होल्ड कर सकते हो, जितना में आपको निकलना है, पेशेंस कितना है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट में पेशेंस देखा जाता है, कितना आपके पास है, सह सकते हो लॉस, कितना फायदा आ रहा है तो आप रुक सकते हो। चलिए, यही था आपका टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो हम लोग मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में और नया चीज़ सीखेंगे। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर सब्सक्राइब, सब कुछ करो जम के। मैं फिर आता हूँ, थैंक यू।